किया है, आप माचिस का डिब्बे इस्तेमाल कर सकते हैं। माचिस की डिब्बी इस तरह से होती है, यस सर, ठीक है। और हमने एक बॉल लिया है, उसमें हमने पानी भर लिया, आप बॉल दिखाइए, हमने पानी भर लिया है और इस बॉल में ये डिब्बी आसानी से तैर सकती है, और हम क्या करते हैं, इस चुंबक को हम इस डिब्बी में रख देते हैं, ठीक है। अब हम इसको पानी में डालेंगे तो क्या ये डूब जाएगी? नहीं डूबेगी। और जिस तरीके से धागे में हम चुंबक को लटकाए थे और फ्रीली चुंबक घूम सकता था, उसी तरीके से जब इसे हम पानी में डालेंगे तो पानी में ये फ्रीली तैर सकती है, ठीक है। और आप देखोगे कि यह हमेशा और हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में ही आकर के रुकेगी, ठीक है। तो चलो हम इसको पानी में डालते हैं, पानी में डालते हैं और आप देखिए कि हमेशा ये जो उत्तरी ध्रुव है उत्तर दिशा की ओर बता, इधर कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा, और इधर दक्षिण। यहाँ जो उत्तरी ध्रुव है देखिए नॉर्थ लिखा हुआ है, ये उत्तर दिशा की ओर दिखा रहा है। यस सर। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा हम उल्टा कर देते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। और हम इसको अब उल्टा कर दिए हैं और फिर से देखिए आप क्या होता है, फिर से ये देखिए, ये देखिए घूम के फिर से इसने दिशा बदल ली और फिर से यह सही दिशा में आ गया। तो इस तरीके से बच्चों हम बता सकते हैं कि चुंबक का एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि यह दिशा बताता है, ठीक है। और इसलिए इसको दिशा सूचक पत्थर के नाम से जानते हैं। यदि चुंबक आपके पास है तो आप कितने भी घने जंगल में हैं, अंधेरी रात है, फिर भी आप दिशा नहीं भटक सकते हैं यदि आपके पास एक चुंबक है। तो बच्चों कैसा एक्सपेरिमेंट लगा? बहुत अच्छा।